ये कोर्स आपको क्यों करना चाहिए, ओके, व्हाई यू शुड डू दिस कोर्स, ओके। सो पहली बात तो ये कोर्स जो है ये बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स है, ओके, एंड इसमें ए टू जेड एवरीथिंग इंक्लूड्स एवरीथिंग, ओके, अबाउट मेकअप ए टू जेड। तो आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये कोर्स करने के बाद में आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए, सिर्फ यू नो मुझे बड़ा बनना है या मुझे वो दे ये रख के ना करो काम। आप काम करना है ना, आपको पैशनेटली करो कि जो चीज आप करोगे कि भले वो छोटी सी छोटी क्यों ना हो, एक लाइनर भी आप लगाओगे ना तो इतना पैशनेटली लगाओगे और इतने एक्सीलेंस से लगाओगे कि सामने वाला अपने आप आपको पैसे देना शुरू कर दे, ओके। आपके पास है पैसा, शोहरत और ये सारी चीजें, सक्सेस, पहचान, सब अपने आप आ जाएगी अगर आपने दिल से और ईमानदारी से काम किया तो अगर आपको ये कोर्स करना है और सक्सेसफुल होना है तो ये चीजें हमेशा आप लोग ध्यान में रखना कि आप जो भी करोगे वो ईमानदारी से करोगे और पैशनेटली करोगे। टाइम पास के लिए ये कोर्स है ही नहीं, ठीक है, ये कोर्स टाइम पास के लिए है ही नहीं। ये नहीं कि आपको चलो रोज की मूवी देखनी है 9 से 12, चलो जाके हम लोग मैडम को देखेंगे, बस जो भी हो रहा है हम लोग देखते रहेंगे और फिर बाद में कोई काम नहीं करेंगे, सुबह कोई आए क्यों, हम तो बिजी हैं, हम तो बिजी रहते हैं, ये मत करना। अगर आप लोग अपना टाइम देने वाले हो रोज के 3 घंटे 2.5 घंटे, ओके, हम 11:30 बजे तक ही करेंगे, कोशिश करेंगे कि 11:30 बजे तक ही रखें, ओके, तो ये जो है 2.5 घंटे आपको इतना फोकस होके और प्रॉपर इस पे काम करना है कि दूसरे दिन फिर अगेन आपको उसके ऊपर प्रैक्टिकल करना है, ओके, जो आपने सीखा उसका प्रैक्टिकल आपको करना ही करना है। अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया, आप बस आके बैठ गए ऐसे देखने के लिए, ओके हाँ क्या हो रहा है, ओके देखते हैं क्या कर रहे हैं, बैठे हैं मस्त एकदम ऐसे लेटे हैं एक इस पे एंड देन वी आर वॉचिंग, अगर ऐसा करना है तो प्लीज डू नॉट डू दिस कोर्स, मत करना। ओके, हाथ में पेन, नोटबुक, पूरा अटेंशन अगर यहाँ है तभी इस चीज का फायदा उठा पाओगे, इस कोर्स का फायदा उठा पाओगे, वरना आप देख रहे हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं एक बार करने के बाद में बार बार, दो बार, तीन बार कर रहे हैं कोर्स। यू नो व्हाई, क्यों, क्योंकि हर क्लास में इतनी छोटी छोटी बातें होती हैं, इतनी छोटी छोटी चीजें होती हैं, इतने छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं कि ऐसा लगता है कि अरे ये तो मैंने मिस कर दिया, ये तो पहले बार भी हुआ था लेकिन मैंने मिस कर दिया, मैंने ये मिस, इसीलिए बहुत सारे बच्चों ने ये फिर से ज्वाइन किया है फॉर दिस वेरी रीजन के उनको पता है कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, छोटी छोटी बातें हैं ना, वो कई बार ऐसे फट से मिस हो जाती है, चली जाती है, पता भी नहीं चलता, ओके, इतनी सारी छोटी छोटी डिटेल्स हैं। तो अगर आप में पैशन है तभी ये कोर्स करना, मेकअप का अगर पैशन है मेकअप करने का तभी ये करना, कलर से प्यार है तभी ये करना, पैसे के लिए मत करना, टॉप बनने के लिए मत करना, वो अपने आप बन जाओगे आप, ईमानदारी और पैशन एंड हार्डवर्क, ये तीन चीजें जो है आपके पास है तभी आप इस कोर्स से फायदा उठा पाओगे, अदरवाइज यू विल बी जस्ट वेस्टिंग टाइम एंड मनी, ओके, एंड योर एफर्ट्स। सो एवरीवन इज रेडी, यस, पक्का, प्रॉमिस मी, हाँ, कहीं भी ऐसा ढीला नहीं पड़ जाना है, मैं तो मेरा सिर दर्द हो रहा है, बहाने नहीं देने के, आज मैडम मेरा सिर दर्द हो रहा था तो मैंने अटेंड नहीं किया, सिर दर्द की गोली भी मिलती है, हर चीज की गोली मिलती है, हर चीज की दवाई मिलती है, एक दिन आपकी क्लास मिस हो जाएगी, वापस नहीं आएगी, ओके, और आप खुद देखोगे कि एक एक जो है आपके क्लास में, एक एक क्लास में कितनी सारी चीजें हैं, कितने सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो अगर आपने थोड़ा भी मिस कर दिया तो देन यू आर गोइंग टू मिस, ओके, एक्चुअली मिस, ठीक है, ये मुझसे नहीं, जो ऑलरेडी कर चुके हैं ना उनसे पूछ लेना।